तो दोस्तों अभी निक्की और आमा तो यहाँ पे सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, और बाकी अच्छी खासी धूप खिली है तो अंदर कौन सोएगा, यहाँ पे हमारे अठन्नी। और यहाँ पे देखिए ये चूक जो खराब हो गया है, सड़ गया है क्योंकि बारिश के टाइम पे हमने इसे खाया नहीं। नैनू की यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और यहाँ पे सभी लोग धूप सेक रहे हैं, वहाँ पे आमा बैठी है, आंटी बैठी है, और इसका आज भी भूत भगाया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। कल जैसे हमने पानी के छींटे मारे थे वैसे ही हम आज भी मारने वाले हैं। तो नैनू को यहाँ पे ध्यान बटाने के लिए पढ़ाई की जा रही है, वैसे भी वो अभी पढ़ ली है तो इसलिए इसका ध्यान बटा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं इस पे क्यों ना पानी डाल दिया जाए। मैं आप भी चुप रहो, मैं भी चुप रहती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जा तो यहाँ से जा तो। हाँ दादा तो अपना काम कर रहे हैं। हाँ तूने कम हाँ हाँ करो वन लिखो, ए फोर हाँ बी फोर बॉय लिखो, सी फोर कैट लिखो, जल्दी से लिखो। मुंह खोल के आ बड़े हो गए। अच्छा देखो इसमें बन बन लिखा ना आपने, बन लिखा था ना। हाँ क्या किसने मारा? दादा को डांटो, दंडे है मार। कल की तरह नहीं, क्या कर रहा अभी? ये हाँ कैसा लगा ठंडू? चुप जाओ चुप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि निकिका पहाड़ी भूतनी मंगाई थी, जैसा कि छल किसी के बोलते हैं, जब किसी से बच्चा डर जाता है ऐसे उसका छल मंगाया जाता है, अगर किसी से डरी हो। जब हमने आज भी किया, क्या पता शायद आज भी डरी होगी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निक्की आज थोड़ा रोई जरूर, लेकिन कल की तरह झिझकनी पड़ी जिससे कि उसका छल निकले। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि छल कल निकल गया। तो यही मैंने आपको दिखाया कि आज निक्की ने उतनी डरी नहीं। तो फिलहाल अभी निक्की नीचे दादा के कमरे में गई है, तो उसके सामने मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो फोन ही मांग दिया ज़्यादातर। तो आज भी हमने दिन भर मजे किए, निक्की का छोल वोल भगाया, यही चीज़ें हुई। तो देखते हैं आगे हम क्या क्या दिखाएंगे आपको। फिलहाल अभी तो धूप जाने को आई है, शाम होने को आई है, देखते हैं आगे हम क्या क्या दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी धूप जाने को है तो फिलहाल हम अंदर को जाते हैं। तो निक्की भी अंदर गई है, पहाड़ों में ना जिस दिन बारिश आई उसी दिन ठंडा होता है, उसी दिन मौसम ख़राब रहता है, नहीं तो बाकी दिन भर पूरी धूप खिले रहती है। ऐसा नहीं कि शहर की तरह दिन भर कोहरा और बारिश के दिन तो ठंडा ही जो हुआ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता पहाड़ों में। पहाड़ों में दिन भर धूप आती है, अगर जिस दिन मौसम ख़राब होगा उस दिन बारिश आएगी और उस दिन ठंडा होगा, नहीं तो हमारे यहाँ पहाड़ों में तो हमेशा धूप ही रहती है। आप देख ही सकते हैं अभी भी कितनी अच्छी धूप लगी है, दोपहर में भी आप देख ही सकते हैं कुछ लोग छायों में बैठे थे, तो धूप बहुत ज़बरदस्त खिल रही है यहाँ, ऐसा नहीं। और धूप में तो बहुत सारी गर्मी भी लग रही है, उतनी देर बैठ भी नहीं पा रहे हैं हम, लेकिन सुबह शाम का थोड़ी सी हवा चलती है ना बारिश की वजह से, तो इसलिए थोड़ा ठंडा सा महसूस होता है, तो ठंडा तब लग जाता है हमें। नहीं तो हम पहाड़ियों को ना कभी ठंडा ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ दिन भर प्रॉपरली फुल धूप रहती है। तो फिलहाल अभी धूप भी सेक लिए हैं दिन भर, अब अंदर चलते हैं। तो अंदर दिखाएंगे, निक्की आएगी तो निक्की कहीं पकौड़ी खाने गई थी, बोल देखते हैं क्या क्या खा के आती है। फिलहाल नैनू पकौड़ी खा के आ गई, पकौड़ी तो नहीं खाई इसने, क्या खाया आपने? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, अभी खा रही अंकल चिप्स। तो नैनू आ गई है अंदर, हम लोग भी आ गए हैं अंदर क्योंकि अब ठंडा हो गया है, तो बाहर घूमने से कोई फायदा नहीं है अब, तो फिलहाल हम पहले चिप्स खा लेते हैं, तो फिर इसके बाद चाय पीते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं पीते चाय? खाओगी? चाय पियोगी? अच्छा चिप्स खाओगी? ओके, ये देखो चाट चाट के खा रही है। सुबह सुबह के 8 बज चुके हैं, धूप हमारे यहाँ पे आ चुकी है, तो सभी लोग तो नहीं, फिलहाल हम लोग तो धूप सेकने आ गए हैं, बाकी लोग भी सेक ही रहे होंगे। तो सुबह सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा रहता है हमारे पहाड़ों में। तुम्हें इतना ठंडा हो रहा है? ना गरम। सभी लोगों की जुखाम से हालत खराब हो रही है फिलहाल, तो तुम्हारे जैसे नाक तो फेंक रहे हो। नाक फेंक रहा हूँ, जुखाम थोड़ी हो रखा है। अच्छा, ये नैनू की हाल देखो, जमीन में जाके बैठी है, ऐसा क्यों, क्या हुआ बेटा? अच्छा पकड़े हैं, चलो गुड। तो दोस्तों आज मैं दूसरे दिन वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने किया नहीं, ठंडा बहुत हो रखा है। ठंडा क्या हो रखा है?
थोड़ी सी तबियत ढीली थी तो वीडियो एडिट भी नहीं हो पाई, इसलिए बनाई भी नहीं। हाँ अभी हम बॉल खेल रहे थे तो बॉल भी नीचे चली गई, तो आज तक फिलहाल गला ठीक है मेरा। अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और वहाँ हनुमान मंदिर में भजन लगे हैं जो आज तक आप सुन ही रहे होंगे। आज आज 1 फरवरी है। अभी आमा दी नैन उसे दूध पिएगी, कहा कैसे रो रही है देखो। इसको इतना गुस्सा आ रहा है। तो अभी 1 फरवरी है ना, आज से हवा बहुत शुरू हो रही है क्योंकि मार्च में फरवरी मार्च में ऐसे हवा तेज चलती है। नैनू मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही है, कभी कुछ कह रही है, तो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ और ना ही एडिट कर पा रही हूँ क्योंकि इसके साथ नहीं हो पा रहा है। तो ना हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैंने धूप तो लगी है तब भी मैंने टोपी डाल दी है क्योंकि बहुत सारी हवा चल रही है, जो बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा चल रही है क्योंकि रुक भी नहीं रही है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो इसलिए हमने टोपी पहन के बैठे हैं क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। तो अभी शाम के कितने बज चुके हैं, 5:30 हो तो मैंने बता ही दिया था। हाँ है यू वहाँ पे, अमा धूप में बैठे हैं, अमा की तबीयत ख़राब है आज। आज अमा का गला बैठा है, पहले मेरा बैठा था। और यहाँ पे देखो शाम के 5 बजे पेपर पढ़ी जा रहे हैं। क्या है अरे आज की अच्छा गुड़िया बाल आए हैं बल पेपर में, देखो तो तो नैनू गुड़िया के बाल देखती है वो, देखो गुड़िया के बाल। तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है क्योंकि अभी फिलहाल मेरा तो गला ठीक है, अब दर्द नहीं है, लेकिन अभी आमा के गले में दर्द हो रखी है क्योंकि आमा को थोड़ा सा जुकाम लग गया क्योंकि ठंड सबको बढ़ रही थी, सभी को उड़ती हवा लग रही है, इस वजह से मैंने भी टोपी पहन रखी है। और फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन बीच में बैक गैप छोड़ा, वीडियो नहीं बना पाई। पकौड़ी अच्छा नैनू को पकौड़ी खाना है अब तो, ये इसको भूख लग गई है ना। हाँ भूख लग गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं बनाती हूँ, तो फिर कंटिन्यू करेंगे कल से वीडियो, कोशिश करूँगी कि वीडियो कंटिन्यू करूँ डेली। तो उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा कमेंट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, भगवान करे आपका समय शुभ हो, टेक केयर एंड बाय बाय। नहीं तो हम पहाड़ियों को कभी ठंडी नहीं होता है।